ठंडी के सीजन में जिस लड्डू को वरदान माना जाता है वो है गोंद का लड्डू। और आपने भी देखा होगा कि ठंडी के सीजन में गोंद का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये होता है लोडेड विथ आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, जिसकी वजह से जिन्हें भी जोड़ों की दर्द यानी कि ज्वाइंट पेन, बैकएक या फिर कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम होती है तो ये उनके लिए वरदान साबित होता है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जो न्यू मॉम होती है उन्हें भी ये लड्डू दिया जाता है, जिससे बच्चे के और माँ का सेहत अच्छा बना रहे। तो ये लड्डू ना सिर्फ बड़ों के लिए या फिर न्यू मॉम के लिए नहीं, बुजुर्ग से लेकर बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स के कुछ बेनिफिट्स। लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट करना है और कुछ को करना है घी के साथ में फ्राई। तो यहाँ पे मैंने गैस पर पैन को गर्म करने के लिए रख दिया और पैन के गर्म होते ही मैंने डाला है लगभग 2 बड़ी चम्मच पॉपी सीड, जिसे हिंदी में खसखस भी कहा जाता है, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे रोस्ट करना है। ये छोटी सी दिखने वाली खसखस, जिसे हम सदियों से रेसिपी में यूज़ करते आ रहे हैं, इवन वेस्टर्न कंट्री में भी इसे बेकिंग करने के टाइम पर यूज़ किया जाता है। इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट होते हैं। नंबर 1, ये होता है रिच इन इनसॉल्युबल फाइबर, जिसकी वजह से ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, और रिसर्च में पाया गया है कि ये फीमेल फर्टिलिटी को भी दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ में ये इम्यून को बूस्ट करने का काम करता ही और एनर्जी को भी बूस्ट करता ही करता है। इसके अलावा ये हमारे बोन के लिए यानी कि हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। एंड यू कांट बिलीव, ये ट्रीट करता है डायबिटीज को और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को, और जिसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यानी कि हाइपरटेंशन है उसे भी रेगुलेट करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है छोटी सी चीज, लेकिन फायदे इसके मल्टीपल है। और आप देख सकते हैं कि खसखस का भी कलर चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे प्लेट पर, और अब रोस्ट करते हैं सनफ्लावर सीड को। सनफ्लावर सीड होता है हाई इन प्रोटीन एंड रिच इन हेल्दी फैट। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स, और अगर आप इसे अपने डाइट पर रेगुलर कंजप्शन करें तो हार्ट डिजीज यानी कि हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को आप कंट्रोल पे ला सकते हैं या फिर उससे बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है विटामिन ई, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और आपने भी देखा होगा कि आजकल मार्केट में जितने भी ग्रेनुला बार्स या फिर ट्रायल मिक्स आते हैं उसमें सनफ्लावर सीड को ऐड किया जाता है, और इस तरीके से हमारे जो सनफ्लावर सीड है उसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे प्लेट पर। तो सेम उसी पैन में हमें ले लेना है थोड़ा सा घी, और फिर डालना है लगभग 1 कप मखाना, और इसे भी हमें मीडियम हीट पे लगातार चम्मच चलाते हुए बिल्कुल क्रिस्प होने तक भून लेना है। मखाना होता है हाई इन पोटेशियम और लो इन सोडियम, जिसकी वजह से बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है उन पेशेंट के लिए जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। और जो पोटेशियम होता है वो ब्लड प्रेशर को डाउन करने में हेल्पफुल होता है, और जो सोडियम होता है वो ट्राई करता है इसे थोड़ा सा ऊपर लाने में। इसलिए अगर जिसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे एज अ स्नैक्स के तौर पर तो इसे लेना ही लेना चाहिए। साथ में ये बोन को स्ट्रॉन्ग करने में यानी कि हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। मखाना हमारा रोस्ट हुआ है कि नहीं उसे चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक मखाने को इस तरीके से हाथों से उठाइए और हल्का सा प्रेस करके देखें। जब ये आसानी से टूट रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा मखाना परफेक्ट रोस्ट हो चुका है और क्रिस्प हो चुका है। इसके बाद हमें पैन पर ड्राई रोस्ट कर लेना है ग्रेटेड ड्राइड कोकोनट। ये जो ड्राई वाले कोकोनट आते हैं उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसे भी हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट करना है। कोकोनट होता है रिच इन अमीनो एसिड, फाइबर और हेल्दी फैट। इसके अलावा ये होता है पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, साथ में ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कोकोनट है यानी कि नारियल है उसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और लाइट गोल्डन कलर आया है। तो इसे भी हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद लड्डू में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है घी। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हमें टोटल चाहिए रहेगा 1 कप घी। तो 1 कप घी में से हम ले लेते हैं यहाँ पैन पर लगभग 1/3 कप घी, और इस पर हम फ्राई करेंगे गोंद। आयुर्वेदक के अनुसार घी के मल्टीपल बेनिफिट हैं। ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है गुड फैट। इसके अलावा ये शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ एनर्जी देने का काम करता है। और घी के गर्म होते हमें यहाँ पे फ्राई करना है 100 ग्राम गोंद। गोंद को फ्राई करने के टाइम पे हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1, ना तो हमारा घी बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा ठंडा रहना चाहिए।
गोंद को फ्राई करने के टाइम पे हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही घी में फ्राई करें। नंबर दूसरा कि गोंद को कभी भी आप पूरा एक साथ फ्राई ना करें, दो या तीन बैचेस में फ्राई करें। नंबर तीसरा, गोंद को हमें पूरी तरीके से पफ होते तक, यानी कि आप देख सकते हैं जब मैं उसे उठा रही हूँ और हाथों से प्रेस कर रही हूँ तो वो पूरी तरीके से क्रश हो रहा है, यानी इसे पूरी तरीके से फूलना चाहिए और लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना चाहिए। और अगर हमारी गोंद अच्छे से फ्राई नहीं हुई तो जब हम गोंद की लड्डू बनाएंगे तो ये हमारे दांतों में चिपक सकता है, इसलिए गोंद का अच्छे से फ्राई होना बहुत ही जरूरी होता है। चौथा पॉइंट, गोंद को घी में फ्राई करने के टाइम पे घी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम ना ले, नहीं तो हमारी गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने आधी गोंद को फ्राई करके निकाल लिया है, उसके बाद सेम उसी घी में गोंद का दूसरा बैच भी फ्राई किया है। वैसे तो आयुर्वेदा में इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट बताए गए हैं, लेकिन जो मेन कहा जाता है वो ये है कि ठंडियों के सीजन में अगर आप गोंद को खाते हैं तो आप बीमार कम पड़ते हैं। इसके अलावा ठंडी के सीजन में आप देखे होंगे कि विटामिन डी हमारा लो हो जाता है, उसे भी ट्रीट करता है। और जिन्हें जॉइंट यानी कि जोड़ों का दर्द, बैक एक यानी कि पीठ का दर्द जैसे प्रॉब्लम आती है उनके लिए तो ये बिल्कुल वरदान है, क्योंकि ये जोड़ों को लुब्रिकेंट देने का काम करता है। तो गोंद के लड्डू जिन्हें जोड़ों या पीठ दर्द की प्रॉब्लम आती है वो तो जरूर खाए। तो इस तरीके से मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आया हुआ है। इसके बाद पैन पर बचे हुए सेम उसी घी में हमें फ्राई कर लेना है लगभग आधा कप बादाम। मीडियम फ्लेम पर आप बादाम को फ्राई करें जब तक बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बादाम भी होता है फुल ऑफ न्यूट्रिशन और इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ में ये स्किन और हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं बादाम का कलर भी चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तब मैं इसे निकाल देती हूँ दूसरे प्लेट पे। इसके बाद पैन पर बचे हुए सेम उसी घी में हमें फ्राई कर लेना है लगभग आधा कप काजू, और काजू को भी हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। इससे नट्स का टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसमें अगर मॉइस्चर होगा तो वो भी कम हो जाता है। काजू होता है लो इन शुगर और रिच इन फाइबर, इसके अलावा ये होता है गुड सोर्स ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिसकी वजह से ये बॉडी को एनर्जी देगा, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यून को बूस्ट करता है और हमारे बोन यानी कि हड्डियों को भी मजबूत करता है। अब पैन पर बच गए हैं बिल्कुल थोड़े से घी और ये बिल्कुल साफ नहीं लग रहे हैं क्योंकि इसमें हमने सारे नट्स को फ्राई किए थे और गोंद को फ्राई किए थे। तब इसे हम किचन पेपर टॉवल से वाइप कर देंगे। अब ये हमने जो गोंद फ्राई किया था अब इसे हमें क्रश करना है। तो क्रश करने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ पोटैटो मैशर, लेकिन आप इसे बेलन के हेल्प से भी क्रश कर सकते हैं। आप गोंद का टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल कोर्सली ग्राउंड है। अगर आपको गोंद का दरदरा टेक्सचर पसंद नहीं आता तो आप इसे मिक्सी में फाइन यानी कि चिकना भी पीस सकते हैं। अब ये रहे हमारे फ्राई किए हुए काजू और बादाम, इसे हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। अगर आप काजू और बादाम की जगह कोई और नट्स लेना चाहें तो उसे भी आप घी में फ्राई करके दरदरा सा पीस सकते हैं। इसके बाद हमें रोस्ट किए हुए मखाने को भी दरदरा मिक्सी में पीस लेना है। अगर इसे घर पर कोई छोटा बच्चा खाने वाला है तो आप सारे नट्स को मिक्सी में फाइन भी पीस सकते हैं। और जब हमारे अब सारे नट्स दरदरे पीस चुके हैं तो अगेन मूव होते हैं गैस पर पैन को गर्म करने के लिए। तो पैन के गर्म होते ही हमें ले लेना है लगभग 3 से 4 बड़ी चम्मच घी। ये स्टार्टिंग में जो हमने 1 कप घी निकाला था उसी में से 3 से 4 बड़ी चम्मच घी ले रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है लगभग 2 कप गेहूँ का आटा, और गेहूं के आटे को मीडियम फ्लेम पर लगातार बीच बीच में चम्मच जलाते हुए सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि गेहूं का आटा होता है फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ये होता है गुड सोर्स ऑफ फाइबर और वैरायटी ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स। अगर आपने गैस का फ्लेम बहुत ज्यादा हाई करके आटे को भून लिया तो आटे का कलर तो जरूर सुनहरा आ जाएगा लेकिन आटा हमारा कच्चा रह जाएगा जिससे लड्डू में टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए इसे सुनहरा कलर आने दें। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे आटे का कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से बिफोर और आफ्टर के पिक में समझ आ सकता है कि स्टार्टिंग में हमारा आटा का कलर लाइट था और जब ये अच्छे से भून चुका है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और जब हमारा आटा सुनहरा कलर का हो जाए तब हमें यहाँ पे डाल देना है 2 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर यानी कि सोट, और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए 1 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर।
सोंठ में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ में ये शरीर को गर्माहट देने का भी काम करेगा। अब सारी चीजों को मैंने मिला लिया है और गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तो चलिए अब इसे ट्रांसफर करते हैं मिक्सिंग बोल पे। फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू। आटे को मैंने मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है और इसमें हमें मिलाना है हमारे सारे तैयार किए हुए इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नारियल, दरदरी पिसी हुई काजू और बादाम, गोंद, मखाना, खसखस, सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का बीज। अब हमें यहाँ पे डाल देना है 1 कप जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर। और गुड़ के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करता है, साथ में लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है और इम्यून को बूस्ट तो करता ही करता है। तो मैंने गुड़ को भी मिला लिया है आटे के साथ में। अगर आप यहाँ पे गुड़ के जगह रिफाइंड शुगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज अगर मैं आपको बोलूँ कि इतना हेल्दी हम बना रहे हैं गुड़ का लड्डू तो आप गुड़ ही यूज़ करें। और लास्ट में हमें डाल देना है हमारा 1 कप घी में से बचा हुआ सारा घी, इससे हमारे आटे में बाइंडिंग का काम करेगा और हमारा लड्डू अच्छे से बंध जाएगा। और ये सारी प्रोसेस जब आप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आटा हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जो लड्डू हम बांधते हैं उसे हल्के गुनगुने में ही बांधा जाता है यानी कि लड्डू बनाया जाता है। और घी को डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आटे का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसके हम अब लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आटे में से पोर्शन ले ले और अच्छे से अपने हाथों में दबाते हुए इसके लड्डू बना ले। और अगर आपको लड्डू बनाने के टाइम पे तकलीफ हो रही है यानी कि लड्डू हमारा बंध नहीं रहा है, शेप नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा घी को गर्म करके आटे में मिला ले और लड्डू बना ले। ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से लड्डू बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको फिर से एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। आटे के लड्डू को हमें बहुत दबा दबा के बनाना रहता है क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा सैंडी जैसा होता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन ये जब हमारा आटा थोड़ा सा गुनगुना रहे तभी ये सारे प्रोसेस करें। तो इस तरीके से मैंने सारे आटे के लड्डू भी बना के रेडी कर लिए हैं। तो इतनी क्वांटिटी से मेरे बने हैं मीडियम साइज के लगभग 32 यानी कि 32 गोंद के लड्डू। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने सारे गोंद के लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी बना है हमारा गोंद का लड्डू। बस कुछ टिप्स को हमें ध्यान पे रखना रहता है कि लड्डू बनाने के टाइम पे आप अच्छे क्वालिटी का घी यूज़ करें और जो मेज़रमेंट मैंने बताया घी का 1 कप, उतनी घी से ही इस लड्डू को बनाएं। अगर आपने बहुत ज़्यादा घी ऐड कर दिया तो हो सकता है कि आपका लड्डू फ्लैट हो जाए, और अगर आपने बहुत कम घी ऐड किया तो आपके लड्डू बाइंड यानी कि अच्छे से नहीं बंधेगी। इसके अलावा आप अपने मनपसंद का कोई सा भी नट्स इस लड्डू को बनाने में ले सकते हैं। मैंने तो अपने गोंद के लड्डू बना लिए हैं और अब आप बताइए कि आप इस सेहतमंद लड्डू को कब बनाने वाले हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ में अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे उन्हें भी इस गोंद के लड्डू के बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके और वो भी सेहतमंद रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।